बस अभी टू फैमिली वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस अभी हो चुका हूँ मैं रेडी और अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। तो मेरी जो इंटर्नशिप है अभी शुरू हुई है हाई कोर्ट में, मतलब लास्ट में 1 मंथ से हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और अभी ये मेरा सेकंड मंथ शुरू हो चुका है। तो जो मैं जिनके हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो है CGSC, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, गवर्नमेंट काउंसिल है, तो उनके पास मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से थोड़ा एक वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ कि मतलब हाई कोर्ट में क्या कैसे होता है, क्योंकि मेरे को भी एक महीने में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर वगैरह मिल गया। तो मैं सोच रहा हूँ एज अ व्लॉग बना के वो थोड़ा और मतलब सबको बताया जाए कि कैसे क्या वर्क वगैरह वहाँ पे होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा धीरे धीरे अपनी वीडियोज़ में दिखाने की कि क्या वहाँ पे क्या कैसे वर्क हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी इंटर्नशिप में। तो यहाँ से मैं जाता हूँ मेट्रो में, तो यहाँ से पहले मैं जाऊँगा मंडी हाउस, मंडी हाउस चेंज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट जो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। वहाँ से ऑटो वगैरह लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं, फिर वो हाई कोर्ट उतार देते हैं। तो बाकी आप वीडियो बने रहना, पूरी वीडियो को देखना। तो अभी मैं पहुंचा ऑफिस में और ऑफिस पहुंच के पता चला कि आज सर आएंगे नहीं हमारे, मतलब दो सर हैं, सर आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि सर की तबीयत हो गई ख़राब। तो अभी आज का काम यही मिला हमें कि मतलब एक दो फाइलें वगैरह पढ़ लें केस की, और फिर मेन है कि हमें जाना है कोर्ट में अपीयरेंस देने। अपीयरेंस ऐसे नहीं, मैं बताऊंगा कैसे अपीयरेंस देनी, मतलब हाई कोर्ट में तो अलाउ नहीं होता है इंटर्न्स को अपीयरेंस देना, बट वो एक होता है कि जैसे अगर सर नहीं आए, वो आज मैटर में नहीं जा पा रहे, तो हमें क्या होता है एक स्लिप में नाम लिख के वो वहाँ पे अपीयरेंस बॉक्स में डालना होता है। तो वो करना है, मैं बताऊँगा कैसे करते हैं, जो मतलब पहले करा होगा इन्होंने पता होगा, बट जो एज अ फ्रेशर है जिनको नहीं पता कभी कोर्ट में नहीं गए, तो मैं दिखाऊँगा प्रॉपर कैसे करते हैं वो। कोर्ट में सबसे ज्यादा यही होता है हाथ दौड़। अच्छा खासा चैम्बर जा रहा था मैं, अभी सर का कॉल आया, सबने बोला जल्दी जाओ 41 नंबर कोर्ट में, वहाँ पर पूछना है कि वो एक केस था मैटर लगा है, वो पास ओवर हुआ है क्या हुआ है वो पूछना है। मैं चला गया तो चैम्बर, यार अच्छा खासा दोबारा जा रहा हूँ चैम्बर से आया हूँ, चैम्बर 01 ब्लॉक से 41 में जाना। सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये स्क्रीन होती है इसलिए देखने के लिए कौन से कोर्ट रूम में कौन सा केस चल रहा है। तो जो व्हाइट से लिखा है वो कोर्ट रूम है और जो रेड से लिखा है वो आइटम नंबर है। कि ये है अपनी हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है, एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं फ्लोर पे और यहाँ पे नीचे काफ़ी सही बना रखा है। जो पुरानी बिल्डिंग है उससे तो काफ़ी सही है नई बिल्डिंग। तो अभी मैं सारे काम निपटा के अपने हुआ हूँ फ्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी कोर्ट में, थोड़ा ये होता है कि भाग दौड़ बहुत हो जाती है क्योंकि आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग फिर इधर जाओ ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे ही था कि मैं अभी जस्ट पहले क्या हुआ, अभी लंच से पहले की बता रहा हूँ, तो ऐसा था कि कोर्ट की मैं अपीयरेंस वगैरह देकर मैं फ्री हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि एज अ इंटर्न आप हाई कोर्ट में अपीयरेंस दे कैसे सकते हो। जैसे कि मान लो आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, किसी के पास, अब आप कैसे बोलते हैं एक दिन कि मान लो आप जाओ कोर्ट में अपीयरेंस दे के आओ हमारी, ठीक है। अब उसमें आपको करना क्या होता है मैं वो आपको प्रोसीजर बताता हूँ। एज अ इंटर्न आप हाई कोर्ट में अपीयर तो नहीं हो सकते, बट वो अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि आपको जाके उस काउंसिल की अटेंडेंस लगानी है उस कोर्ट में। वो एक बॉक्स रखता होता है काउंटर पे, वहाँ पे जाके उनका नाम वगैरह लिख के, आइटम नंबर लिख के, इस अब किस कोर्ट में आइटम नंबर क्या है वो आइटम लिख के पर्ची पे एक स्लिप होती है, मैं आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, और एडवोकेट का नाम लिख के वो पूरा आपको वहाँ पे अपीयरेंस बॉक्स में लिखना होता है, मतलब वहाँ पे डालना होता है। तो वही उसका मतलब होता है अपीयरेंस का। तो ऐसी ना एक स्लिप होती है जो कोर्ट में मिल जाती है, रखी रहती है आगे जब आप जाओगे वहाँ पे, आपको लिखना बस इतना ही है। यहाँ पे आपको ऊपर लिखना होता है आइटम नंबर, ठीक है, आइटम नंबर जो भी आपके केस का आइटम नंबर है यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे आपको आपके एडवोकेट का नाम लिखना होता है, ठीक है। और साथ में अगर कोई और भी साथ में काउंसिल वगैरह अपीयर हो रहे हैं साथ में ऐसे, तो उनका नाम भी लिखना होता है। जैसे मान लो कि कोई एडवोकेट है राकेश कुमार, तो राकेश कुमार लिख के विद एक कोई मान लो साथ में एक और है राजेश शर्मा, तो वो लिख दो। तो ऐसे करके ये आपको वहाँ पे बॉक्स में डालने रखनी होती है। तो इसका मतलब यही होता है अपीयरेंस का मतलब।
तो कभी भी आपके कोई एडवोकेट आपको बोलता है कि अपीयरेंस दे के आओ, तो आपको सेम ऐसे ही प्रोसीजर अपनाना है, मतलब ऐसे ही मतलब आइटम नंबर लिख के एडवोकेट का नाम लिख के और वहाँ पे अपीयरेंस बॉक्स पर डाल देना है। ये वाली जो है हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग है और सामने उसके वहाँ पे पुरानी वाली बिल्डिंग है। इसके बाहर तो सही बना रखा है, काफ़ी सही है, नई बिल्डिंग तो काफ़ी एकदम नई के हिसाब से बनाई है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये नई वाली बिल्डिंग है और ये सामने है ये पुरानी वाली बिल्डिंग है। दोनों अंदर से इंटरकनेक्टेड है, मतलब अंदर से ही जा सकते हो पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग में। और ये रहा, ये तो मेन एक मान लो मार्क है कि इसकी फ़ोटो आपने डाल दी, समझ लो हाई कोर्ट में आप मोस्टली सब आते तो यहीं पर फ़ोटो वगैरह करवाते हैं। यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा, यहाँ पर हम डेली खड़े होकर वंदे मातरम करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना लंच करते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश मैं यही करूँगा आप लोगों को अपने ब्लॉग्स के थ्रू थोड़ी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, जो ऐसे नए इंटर्न आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए हाई कोर्ट में। इधर से जो देख रहे हो सामने, इधर को हाई कोर्ट की पार्किंग है सामने गेट नंबर 7 के बगल में, बस जस्ट बिल्कुल बगल में। और इंटर्न्स वगैरह को मैं बताऊँगा, जो आप अगर आते हो तो 7 नंबर से एंट्री करो, वो सही रहता है। ये लॉयर्स ब्लॉक, इधर से दिखाता हूँ, ये सामने जो है ना, इधर से भी कैंटीन है, सामने से कुछ भी ले गए आप खा पी सकते हो, मतलब मेन कैंटीन अंदर है, इधर से भी विंडो टाइप में बना रखी है, क्या कुछ भी खाना पीना हो यहीं से ले लो डायरेक्ट। और मेनली यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है सुबह के टाइम। तो ये जो है ये एक्सटेंशन बिल्डिंग है जहाँ पर कोड नंबर आपके हैं अराउंड 30 से 25 से हैं। पीछे हो जाओ ना, चलो भैया चलो, इतना भी चिन्नी चोरी कर। तो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। तो जो मेरा ऑफ होता है ऑफिस का, वो 6 बजे होता है, और तो जो ऑफिस की टाइमिंग वो 10 से 6 है। बाकी यही था आज का वीडियो में, मतलब जो भी मैंने आपको अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और बाकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ जो मैं भी सीख रहा हूँ वहाँ पे, और जो भी है मैं ब्लॉग के थ्रू कोशिश करूँगा वो सबको बताऊँ, जो एज ए नए इंटर्न आ रहे हैं या फ्रेशर जो भी आ रहे हैं, कुछ सीखने को मिले आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बाकी देखो ना, ऐसा होता है कोर्ट का थोड़ा अच्छे से एक प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पाता, मतलब एक वीडियो आप अच्छे से शूट नहीं कर पाते, क्योंकि यार थोड़ा ना कोर्ट में ऐसे परमिशन भी नहीं होती अंदर की वीडियोज़ वगैरह बनाने की, सब देख रहे होते हैं इधर उधर, तो वही छोटे छोटे क्लिप्स जैसे बन जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो वैसे मैं बना के डाल देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छे से ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना रश होता है और फिर काम की भागदौड़ होती है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि मेरे साथ एकदम से पता क्या हुआ, जैसे ही मतलब मैं सारा अपना काम अपीयरेंस वगैरह काम जो भी था जैसे मैंने बताया था सर नहीं आए थे, निपटा के एकदम से हमने लिफ्ट में गया, चैम्बर में जा रहा था सर के, तो जैसे ही मैं अपने फोर्थ मतलब हमारा चैम्बर 4th फ्लोर पे, मैं जैसे ही 4th फ्लोर पहुंच गया लिफ्ट से, इतने में सर का कॉल आया कि जल्दी से आगे 41 नंबर कोर्ट में जाओ, वहाँ से पूछ के आओ कि जो भी हमारा आइटम नंबर था, मतलब हमारा जो मैटर लगा था वो पास ओवर हुआ है, उसकी क्या डेट लगी, तो एकदम से सब लगा लो। मैं पहुंच गया हूँ 4th फ्लोर, फिर वहाँ से दोबारा से जल्दी गया, फिर नीचे फिर मेन बिल्डिंग में गया, वहाँ पे नई न्यू बिल्डिंग में है 41, तो वहाँ पे जल्दी से गया भाग के, फिर पता करा वो सब, फिर मैंने सर को दोबारा कॉल करी। तो मतलब ये हो जाता है ऐसे, मतलब भागदौड़ ऐसी हो जाती है कभी कभार। मेरा मेन ये है कि आपको अपने ब्लॉग्स के थ्रू कुछ छोटी छोटी नॉलेज देता रहूं, तो आई होप आज की वीडियो काफ़ी सही बनी होगी, मतलब जैसे मैंने कोशिश करी, प्लीज़ मतलब इसको एक लाइक करना, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मतलब नई नई वीडियोज़ और लेके आनी है, मोटिवेट हूँ मैं आपके थ्रू। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना, और अगर अभी चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना।